जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को। दोस्तों कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पर्सनल रिक्वायरमेंट है काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और ये वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ आपको। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी कॉल करने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं पूरी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं हमारे चैनल को, उनको मैं तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आता रहूँगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में वो है सऊदी अरब से और ये एक शटडाउन का हमें शटडाउन वीज़ा है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा। ये शटडाउन आपको 3 से 9 मंथ का मिलेगा, ठीक है। और इसमें मेडिकल वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अनफिट हैं या जो भी प्रॉब्लम में आप नहीं गए हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें मेडिकल किसी भी तरह का नहीं चाहिए। ये 3 से 9 मंथ का आपका वीज़ा रहेगा और इसमें जो काम रहेगा आपका पैकिंग, हेल्पर, लोडिंग, अनलोडिंग सारा काम आपको मिलेगा। मॉल के अंदर काम मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, यानी कि पैकिंग भी आपको मिलेगा काम और लोडिंग अनलोडिंग सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसमें हमें सिर्फ 30 बंदे चाहिए और ये जब तक 30 बंदे कंप्लीट नहीं होते जब तक ये काम रहेगा। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये काम क्लोज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छा काम है, वेरी अर्जेंट काम है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो आपको फॉरवर्ड करने हैं वो सिर्फ स्कैन करा कर ही करिएगा, कलर स्कैन कराइए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, पासपोर्ट दोनों साइड का स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आपका CV, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं और ये सारे स्कैन करा कर हमें भेजिए और टाइटल में वहाँ पर लिख दीजिए पैकिंग के लिए आपका पैकिंग दुबई के लिए शटडाउन 9 मंथ के लिए। वहाँ पर सब्जेक्ट में अगर मेल करें तो सब्जेक्ट में लिखिए और व्हाट्सअप करें तो वहाँ पर ज़रूर मेंशन करना कि पैकिंग के लिए दुबई के लिए सऊदी अरब के लिए अप्लाई करना। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ आपको। पासपोर्ट इसमें कोई भी हो आपका दोनों पासपोर्ट चलेगा, ECR हो या ECNR हो दोनों पासपोर्ट चलेंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा और आपको बेसिक इंग्लिश यानी कि नॉर्मल इंग्लिश आपको ज़रूरी आना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। एज लिमिट आपकी 21 से 35 साल की होनी चाहिए। 35 से ऊपर का बंदा नहीं चलेगा, चाहे आपकी 36 37 जो भी है नहीं चलेगा, वो 21 से नीचे का नहीं चलेगा। और आपको इसमें फूड फ्री कंपनी प्रोवाइड कर रही है और ड्यूटी आपकी जो रहेगी 9 घंटे की रहेगी। अकोमोडेशन फ्री रहेगा प्लस ओवर टाइम भी सऊदीया का लेवल लोगों के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा आपका 20 दिन से 25 दिन के अंदर ये सारा काम कंप्लीट आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें जो हमें 30 बंदे चाहिए, पैकिंग, हेल्पर, लोडिंग, अनलोडिंग सारा काम आपको करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है 9 घंटे की, वो होने वाली है 1200 रियाल। 1200 रियाल आपकी सैलरी रहेगी प्लस ओवर टाइम लेवल लोग के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वेरी अर्जेंट काम है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो सर्विस चार्ज अप्लाई विल है। बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। पासपोर्ट का खास करके ध्यान रखिएगा और इसमें अप्लाई करने से पहले घर में मशवरा कीजिए, घर में बताइए 9 मंथ का वीज़ा है उसमें मैं जाना चाहता हूँ और सर्विस चार्ज अप्रूवल है और 9 मंथ के बाद में आपको आना पड़ेगा, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 9 मंथ के बाद में घर वालों को बोलें 2 साल का, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या 9 मंथ का, ठीक है ना। और ये जो है आपका पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग का आप माइंड में ना डालें तो लोडिंग अनलोडिंग का माइंड में डाल के जाएँ यहाँ से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैकिंग का आपको काम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना, तो लोडिंग अनलोडिंग भी काम इसके साथ में है, तो ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी बंदा इसमें इंटरेस्टेड है जाने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जीमेल आईडी पर हमारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताएं, अगर वही बंदे का अप्लाई होगा आगे, अगर डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर स्कैन करके भेजेगा और हमें जो इसमें चाहिए बंदे का, जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में अगर सिलेक्शन होता है तो ओरिजिनल पासपोर्ट और उसके 8 फोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। ओरिजिनल पासपोर्ट, 8 फोटो उसके वाइट बैकग्राउंड में, ये डॉक्यूमेंट चाहिए उसका। और उसके बाद में जो इसको पेमेंट करना होगा वो आफ्टर वीज़ा पेमेंट है इसका, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, आफ्टर वीज़ा पेमेंट है। बंदे को ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स करे हमारे पास में कोरियर करें या डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर सकता हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसमें आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए काम आपको कैसा लगा।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपके सामने काफ़ी बेहतरीन वाली रिक्वायरमेंट लेकर आने वाला हूँ जो कि होगी क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा काम है हमारे पास में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाले का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।